साथियों नमस्कार। अभी किस तरह की एक बेहद बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, पूरे अस्पताल में साथियों बुरी तरह से भगदड़ मच गई। जी हां साथियों, दो मिनट पहले की इस वक्त की जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी साथियों। जी हां, आप भी चौंक जाएंगे, पूरे अस्पताल में इस तरह अचानक मची भगदड़। जी हां दोस्तों, अस्पताल में सिलेंडर ब्लास्ट से मरीज साथियों बेड़ों को छोड़कर भागे। जी हां, बीकानेर के PBM अस्पताल में ट्रामा सेंटर में स्थित ICU में उस समय भगदड़ मच गई जहाँ वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में विस्फोट हो गया। वहां भर्ती मरीज परिजनों इस विस्फोट से इतना घबराए कि कोमा में भर्ती अपने मरीजों को छोड़कर भाग गए। कुछ ही देर में स्थिति सामान्य होने पर बता दें कि रोगियों की सुध ली गई। शुक्र रहे कि हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, सिर्फ ब्लास्ट हुआ था। भर्ती मरीजों को कोई परेशानी नहीं हुई। घटना मंगलवार रात 8:30 बजे की है। दरअसल PBM अस्पताल के ट्रामा सेंटर में पहली मंजिल में ICU बना हुआ है। यहाँ पर भर्ती एक रोगी किसी जांच के लिए बाहर ले जाना था। ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे मरीज की जांच के लिए बाहर ले जाने के लिए सिलेंडर बदला जा रहा था। आमतौर पर छोटे सिलेंडर पर रोगी को बाहर ले जाया जाता है। इसी छोटे सिलेंडर पर शिफ्ट करते वक्त अचानक विस्फोट हो गया। ये विस्फोट ऑक्सीजन को अनियंत्रित होकर बाहर निकलने और इसी कारण रेगुलेटर के विस्फोट होने से हुआ था। विस्फोट की आवाज़ तेज थी, रेगुलेटर सहित कुछ सामान भी विस्फोट से टूट कर इधर उधर चला गया, जिससे भर्ती मरीजों के कुछ परिजनों को चोट आई है और अस्पताल में भगदड़ मच गई। परिजनों में आपस में भगदड़ मच गई। जो मरीज होश में थे वो भी भाग ही नहीं सके, लेकिन काफ़ी घबरा गए।